हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के बारे में 2022। किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसको ये गाड़ी, क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए गाड़ी खरीदते वक्त। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डायमेंशंस के बारे में। अगर मैं डायमेंशंस के बात बात करूँ तो गाड़ी की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4662 mm है। तो मतलब अगर बात करें तो ओल्ड कार से 206 mm ज़्यादा बड़ी गाड़ी है ये न्यू वाली स्कॉर्पियो। विड्थ की अगर हम बात करें तो 1917 mm है, पुरानी कार से भी 97 mm ज़्यादा है। हाँ, विड्थ की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहूँगा, स्कॉर्पियो से ज़्यादा चौड़ी है गाड़ी, टाटा हैरियर से ज़्यादा चौड़ी है गाड़ी, और पुरानी स्कॉर्पियो से भी ज़्यादा विड्थ में ज़्यादा चौड़ी है। तो डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा विड्थ अपीयरेंस, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी आप बोल सकते हो, सामने से जो विड्थ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है थोड़ी सी कम कर दी गई है, अप्रोक्सीमेटली 125 mm के आसपास जो है विड्थ कम है कार के अंदर। व्हील बेस अगर मैं बताना चाहूँ तो व्हील बेस जो है 70 mm के आसपास जो है व्हील बेस हमारा ज़्यादा है। जैसे कि व्हील बेस, देखो व्हील बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गाड़ी खरीदते वक्त। बाहर की अगर आप गाड़ियाँ देखेंगे, सेम गाड़ी जो हमारी इंडिया गाड़ी जो बाहर लॉन्च हो रही है, उनके व्हील बेस ज़्यादा करके दिए जाते हैं, क्योंकि व्हील बेस बड़े करने से क्या होता है कि बेसिकली कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से, और बाहर के जो अगर आप दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोग सेफ्टी और स्टेबिलिटी को बहुत कंसिडर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तो जो है व्हील बेस उनको एक थोड़ा सा ज़्यादा करके देना पड़ता है। बट इंडिया में क्या है, कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिशन की वजह से। तो इसलिए व्हील बेस पे इतना ध्यान नहीं किया जाता, बट आप खरीदते वक्त ध्यान कर सकते हैं कि जिस गाड़ी का व्हील बेस ज़्यादा होगा वो डेफिनेटली गाड़ी ज़्यादा स्टेबल होगी, सबसे पहली चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें व्हील्स की, तो व्हील जो है वो 18 इंच, 17-18 इंच के नॉर्मल जो जिस तरह से व्हील्स आते हैं वही है। वेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 100 kg ज़्यादा वेट है, कंपनी ने बोला है। ज़्यादा अच्छे हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है, तो जो कि जिसकी वजह से थोड़ा वेट डेफिनेटली बढ़ेगा, बट आपको ज़्यादा सेफ्टी अब इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूँ प्राइस फैक्टर की, तो 12 लाख से लेके 19.5 लाख का इसका प्राइस रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट, पेट्रोल डीजल क्या ले रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिज़ाइन की, डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें नई मिल रही है। डबल बैरल हेडलाइट्स है, मतलब ड्यूअल हेडलाइट्स है, एक प्रोजेक्टर है, आपको हाई बीम के लिए अलग लाइट है, लो बीम के लिए अलग है। उसके बाद आपको, हाँ, एक कंपनी ने इसमें क्लेम किया है कि जो सीट है आपको सबसे ज़्यादा हाई कमांडिंग मिलेगी अपने सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट की जितनी भी एसयूवीज है सबसे ज़्यादा हाइट जो आपको मिलेगी वो स्कॉर्पियो में ही मिलने वाली है। तो अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बैठना पसंद करते हैं तो आप जो है इस कार को पसंद कर सकते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉफ़ी ब्लैक इंटीरियर है, क्योंकि अभी देखो ऑल ब्लैक और बेज ब्लैक ये बहुत ओल्ड हो गया है, तो अभी जो है थोड़ा सा प्रीमियमनेस में क्या है, कॉफ़ी जो है प्रीमियमनेस प्रीमियम कलर्स में आता है, जो कि लेदर में ही अच्छा लगता है, प्लास्टिक में नहीं लगता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरा इंटीरियर कॉफ़ी ब्लैक में, इवन जो आपका डैशबोर्ड है फ्रंट में वो भी पूरा लेदर रैप्ड है, तो उस पर भी लेदर है, वो भी प्लास्टिक में नहीं है। तो ये इंटीरियर वाइज बहुत अच्छे रिच फिनिश आपको इस स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगी। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, सिंगल पेन सनरूफ मिलेगा, पैनारोमिक स्काई व्यू नहीं मिलेगा आपको, सिंगल पेन जो नॉर्मल सिंगल हाफ आप बोल सकते हो उस टाइप का सनरूफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले नॉर्मल है, 8 इंच है, देखो गाड़ी को ज़्यादा स्टडी बनाया गया है, फीचर वाइज इतना रिच नहीं किया है कंपेयर टू द एक्सयूवी 700। तो बेसिक सब चीज़ें जो चाहिए होती है, बट ज़्यादातर स्टर्डीनेस और टफनेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। 8 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, नॉर्मल डोर हैंडल से डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी डालो तो उसमें खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली मेंटेनेंस कम रहेगा। उसके बाद एडास वगैरह नहीं है, हाँ क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा बट एडास इसमें नहीं मिलेगा। थर्ड रो में कोई एसी नहीं है, सिर्फ सेकेंड रो में आप तक आपको एसी मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है मेरे नज़रिए में। अगर एसी का ब्लोअर और आपकी कूलिंग अच्छी है तो थर्ड रो में भी चली जाती है थोड़े टाइम के बाद, भले ही लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेफ्टी पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी मेरे नज़रिए में, क्योंकि अगर मैं डाटा की बात करूँ तो आपसे, तो लगभग जो है हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद ना सबसे ज़्यादा लोगों की जो डेथ है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ही होती है। सेफ्टी 6 एयरबैग्स है स्कॉर्पियो के अंदर, जो अभी जो आ रही है 6 एयरबैग से ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली टॉप मॉडल में ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म, हाँ जो प्लेटफॉर्म है इसका, पहले थोड़ा सा बॉडी रोल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हाँ ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैंने बताया आपको थोड़ा सा कम हुआ है, तो डेफिनेटली जो पुरानी स्कॉर्पियो में बॉडी रोल था वो रिड्यूस हो, और भी रीजन से मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये गाड़ी ज़्यादा स्टेबल होगी। ड्राइवर ड्राउजीनेस फीचर है, अगर ड्राइवर को थोड़ी नींद आ रही है तो वो जो है उसमें वो अलार्म जो सेंसर्स होते हैं वो अलार्म रेज करता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ये सी
जैसे जो आपको गाड़ी पे वेट कंडीशंस में स्टेबल करना है या इमरजेंसी ब्रेकिंग्स में बहुत हेल्प करता है। आइसोफिक्स चाइल्ड्स हैं फॉर चाइल्ड सेफ्टी। बहुत अच्छी चीज़ एक और बताना चाहूँगा, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स हैं। महिंद्रा इस चीज़ में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैंने बहुत नोट किया है, लगभग महिंद्रा की सभी गाड़ियों में ऑल फोर व्हील्स डिस्क देते हैं। देखो ब्रेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले हुंडई जब इंडिया में लॉन्च हुआ था करीब करीब 2019 के आसपास, 1995 के आसपास, तब हुंडई ने जो है अपने फोर ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स ही दिए थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग की वजह से उन्होंने भी वो अपना जो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो विड्रॉ कर लिया था। तो ऑल फोर डिस्क एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप जो है थोड़ा सा जो है हाईवे वगैरह पे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। हिल कंट्रोल असिस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर, आपको टायर प्रेशर एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपको इसके अंदर मिल रही है, मतलब प्रेशर के साथ साथ आप टायर का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। हाईवे पर थोड़ा टायर गर्म होता है तो वो आप चीज़ कर सकते हो। SOS बटन है इमरजेंसी में, आप SOS बटन इमरजेंसी बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सब तो सेफ्टी फीचर्स है और डेफिनेटली सेफ्टी में कोई कमी नहीं है। वैसे महिंद्रा टफ है और उसमें ये टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी वाइज सेफ्टी वाइज कोई गाड़ी में कमी है। नेक्स्ट, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे वो पॉइंट्स है। हाँ, अगर आप XUV, देखो XUV और स्कॉर्पियो पर अगर आप कोई कंपैरिजन चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है सेफ्टी परफॉर्मेंस वाइज, तो आप कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली इन दोनों का एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और कंफर्ट पे। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, एड्रीनो एक्स इसके अंदर आ रहा है। एड्रीनो एक्स बेसिकली इनका मोबाइल ऐप के साथ इनबिल्ट है, कार को स्टार्ट कर सकते हो, दूर से ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी को स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हो, विंडो को रोल अप रोल डाउन कर सकते हो। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रीमियम कार से मिलते हैं, तो वो एड्रीनो एक्स के द्वारा आपको मिलेंगे। इसमें डेफिनेटली टॉप मॉडल में ही होगा। 12 स्पीकर्स है, सोनी का सिस्टम है, वही जो XUV में आ रहा है 700 में, वही वाला फीचर है। पूरा डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। दोबारा से मैं आपको यही रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा हम स्कॉर्पियो पे रहते हैं तो वही अच्छा रहेगा। 12 सोनी के स्पीकर्स हैं, एलेक्सा बिल्ट इन है इसके अंदर, जो है आप कंट्रोल कर सकते हो एलेक्सा के थ्रू, इवन हाईवे पे चलते वक्त आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो एलेक्सा के थ्रू। डुअल कैमरा है उसके अंदर, कोई 360 नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ डुअल कैमरा मिलेगा फ्रंट और रियर में, पार्किंग में लाइक आपका 70-80% काम जो है फुलफिल कर देगा। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। सीट जो है वो 6-way एडजस्टेबल है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, बट आपको मेमोरी फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। डबल, हाँ एक चीज़ मैं आपको सस्पेंशन के बारे में आपको बहुत, देखो पहले स्कॉर्पियो में हमें पता है बहुत बॉडी रोल था, तो उसको कैसे कम किया, अब उस चीज़ अब टेक्नोलॉजी वाइज उसको समझते हैं। अभी जो फ्रंट में आपको मिलेगा डबल विशबोन, डबल विशबोन जनरली क्या है, जैसे फॉर्चुनर इनोवा ये गाड़ियाँ बहुत हाईवे पे स्टेबल मानी जाती है, आपको पता है इनोवा कितना चलता है, तो वही वो ऐसा क्यों है, देखो उसमें सस्पेंशन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, सस्पेंशन फ्रंट में डबल विशबोन अब की बार यूज़ किया है, तो इनोवा में वही यूज़ होता है, तो आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। रेयर में आप, मैं बताना चाहूंगा, रेयर में पहले क्या था, कॉइल एक्सियल कॉइल टाइप सस्पेंशन आता था, वो सब हटा के पेंटल लिंक कर दिया है, जो इनोवा में 4 लिंक सस्पेंशन आता है, तो इसमें 5 लिंक सस्पेंशन आ रहा है। और डैम्पिंग जो है वो रोड कंडीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, तो मतलब आप ओवरऑल कह सकते हो कि सस्पेंशन को अगर पहले 10 में से 5 था, तो अभी 10 में से वो 8 हो गया है, अब ये समझ के चलिए, ठीक है। इनोवा में, इनोवा से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनोवा जनरली जो है लोग लॉन्ग टूरिंग पे हाईवे पे स्टेबिलिटी के लिए बहुत जाना जाता है, तो इसलिए मैंने उससे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की है। बाकी एक्चुअल कंडीशन जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग गाड़ी के अंदर देखने को आपको मिल रहा है, और जो अगर मैं बात करूँ तो 6 और 7 सीटर के साथ ऑप्शन के साथ आ रही है।